मूवी की कहानी में हम नामी डेजर्ट को देखते हैं, जो अफ्रीका देश में है। वहां हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं, जिसमें क्लाइव हार्वे और पोल थे। उन्होंने वहां एक जगह के बारे में पता लगाया था और उन्हें लगता है कि वहां पर खजाना होगा। दरअसल ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए वहां काम कर रहे होते हैं और उनका काम था रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना। तीनों उस लोकेशन पहुंचते हैं, उन्हें वहां डेजर्ट में लगी हुई कुछ डंडे दिखाई देते हैं। साथ ही उन डंडों के ऊपर एक अजीब तरह का मास्क भी लगा होता है। वहां पर उन्हें अजीब सी गोल आकार का बहुत बड़ा चट्टान दिखता है, जिसके ऊपर जब वो हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट जाता है। तभी वहां एक अजीब सा क्रिएचर उसमें से निकलकर उन सबको मार देता है। सीन यहां से कोलंबिया सिटी के एक लैब में शिफ्ट होती है, जहां डॉक्टर जैक अपने साथी साइंटिस्ट के साथ एक टीम की मदद कर रहा होता है। वो टीम एक रूम में फंसी थी और उस रूम का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम हो रहा था। फिर जैक किसी तरह अपने हुनर से मशीन को ठीक करके टीम की जान बचा लेता है। आगे उनका बॉस उनके पास आकर जैक को फील्ड पर जाकर कुछ ढूंढने का काम देता है। उसके बाद जैक उस नामी डेजर्ट के लिए निकलता है, लेकिन टैक्सी वाला उसे रोड पर ही छोड़कर चला जाता है। कुछ देर में वहां उसे लेने एक ऑफिसर कॉल आता है। वो जैक को एक माइनिंग कंपनी के बेस पर ले आता है। वहां उसे जॉन और एक लेडी ऑफिसर मिक्की मिलती है। मिक्की जैक का पासपोर्ट देख उसके सामान की चेकिंग करती है। जैक के पास एक मशीन भी होती है। जैक उसके बारे में बताता है कि यह मशीन जमीन के अंदर छुपा हुआ नीचे के पानी को ढूंढ सकती है और साथ ही साथ ये किसी भी अजीब फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकती है। जैक ने अपनी इस मशीन का नाम चार्ली रखा होता है। तभी वहां एक ऑफिसर टाइटस रेत से एक मरे हुए सांप को लेकर आता है। अब मिक्की जैक की एंट्री के लिए एक डायरी को ढूंढने लगती है, लेकिन उस डायरी को जोन अपने पैंट के अंदर डाल लेता है। तभी एक ऑफिसर कॉल को जॉन की यह हरकत अच्छी नहीं लगती और वो जॉन को पीटने लगता और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिक्की उससे डायरी लेती है। उसके बाद जैक सबके साथ मिलकर उस टीम की तलाश में निकल जाता है, जिस टीम को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और किसी को भी उस टीम के बारे में नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। खैर, उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर काफी सारा पेट्रोल रख लिया होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने टाइम तक डेजर्ट में रहना होगा। उनके साथ ट्रक ड्राइवर एक लेडी मैगडा ऑर्कर्ड भी होता है। इसी बीच जाते वक्त टाइटस को एक बूढ़ा आदमी एक लॉकेट देता है और उस लॉकेट का चेहरा देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि डेजर्ट में लगे अजीब डंडों पर था। डेजर्ट में काफी आगे जाने पर उन्हें पिछली टीम का ट्रक मिल जाता है। उन्हें ट्रक के पास ही इंसान के दो लोगों के कंकाल मिलते हैं। काल उन बॉडीज को देखकर समझ जाता है कि ये क्लाइव और पोल की है। मिक्की कहती है कि मौत तो अभी 6 या 7 घंटे पहले ही हुई है, तो इतनी जल्दी इनकी बॉडी कंकाल में कैसे बदल गई। मिक्की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। तभी कॉल कहने लगता है कि ये काम जरूर हार्वी ने किया है, क्योंकि वहां उनको हार्वी की बॉडी नहीं मिली थी। तभी टाइटस उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ दिखाने लगता है। वहां उसे किसी के चलने के पैरों के निशान मिलते हैं। अब वो निशानों का पीछा करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये निशान हार्वी के होंगे। कुछ देर तक पैरों के निशान का पीछा करते हुए टाइटस उन्हें बताता है कि जो निशान शुरू में थे वो 2 पैरों के निशान थे, लेकिन अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। फिर वो आगे चलते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो डंडे लगे हुए थे। वो जगह देखने में काफी अजीब थी। जैक जैसे ही मास्क को छूने की कोशिश करता है, तभी टाइटस उसे किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। अब टाइटस देखता है कि जैसा लॉकेट उसके पास है वैसा ही यहां मास्क लगा हुआ है। ये देखकर वो घबरा जाते हैं। इसके बाद मैकडा उन लोगों के पास ट्रक लेकर आती है और वो उसमें बैठकर वहां से जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक और डेड बॉडी का कंकाल मिलता है। काल बॉडी को पहचान लेता है और कहता है कि ये बॉडी हार्वी की है, लेकिन काल को तो ये लग रहा था कि हार्वी ही खूनी है। तो फिर हार्वी को किसने मारा? उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो मैकडा से कहता है कि हमें आगे जाकर किलर का पता लगाना चाहिए, लेकिन मैकडा उसे आगे जाने से मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी। इसके बाद वो यहीं पर रुककर रात गुजारने लगते हैं, लेकिन जैक को अभी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने आज के दिन को याद करने लगता है। फिर वो एक बॉक्स लेकर उसे स्केटबोर्ड बना लेता है और अकेला ही रेत पर स्केट करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए मिक्की देख रही थी। वो उसके मशीन को उसके पास लाती है और कहती है कि यह काफी टाइम से आवाज कर रही है, जिसका मतलब वो क्रिएचर इनके पास ही है। खैर, यहां मिक्की जैक के क्लोज आने लगती है और वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिक्की ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक अभी भी बाहर ही था। तभी अचानक उसके मशीन में बीपिंग तेज होने लगती है, यानी उसने क्रिएचर से आने वाली फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया था। जैक अपने आसपास चेक करता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता।
तभी अचानक से वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, और वो ट्रक के पास जाकर अब को उठाता है। वहां काल आसपास देखता है लेकिन वहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर काल उसे कहता है कि ये अफ्रीका का डेजर्ट है और यहाँ जानवरों का दिखना एक आम बात है, शायद तुमने किसी जानवर को देखा होगा। उसके बाद मिकी बताती हैं कि उनके साथियों की डेड बॉडी की हड्डियां उस जगह से गायब हो गई हैं। अब काल को जैक पर ही शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसी ने ही वो हड्डियां कहीं छुपाई है। जैक कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम केवल डेटा को कलेक्ट करना और उसका पता लगाना है, और वैसे भी मेरे पास हड्डियों का क्या काम। इसके बाद टाइटस उन्हें प्राचीन की बातें बताने लगता है, जो कि रेत की रानी है वो इस दुनिया में अकेली है और वही इंसानों की बॉडी से उनका मांस खींच लेती है और केवल हड्डियों को छोड़ देती है। काल को उसकी बातें बकवास लगती हैं। आगे तभी जैक के मशीन से फिर से एक डायरेक्शन से फ्रीक्वेंसी आने लगती है। फिर काल मेगडा को उसी डायरेक्शन में ट्रक चलाने के लिए कहता है, लेकिन मेगडा रात में चलाने से मना कर देती है। सुबह होने पर वो निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और ट्रक से उतरकर निशानों को देखने लगते हैं। तभी काल को कुछ दूरी पर वो क्रिएचर दिख जाता है। वो उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। फिर काल एक स्नाइपर गन से उसे शूट कर देता है। उसके शूट करते ही वह रेत के कण बनकर नीचे गिरकर कहीं गायब हो जाता है। अब सब वहां जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता और उन्हें वहां एक कंकाल मिल जाता है। ये वही कंकाल होता है जिसको वह क्रिएचर ट्रक के पास से उठा लाया था। फिर वो मेगडा भी ट्रक लेकर पहुंच जाती है। फिर काल उस डेड बॉडी की हड्डियां को उठाकर ट्रक में रख लेता है। अब जैक यहाँ टाइटस से पूछता है कि वो इस क्रिएचर के बारे में और क्या जानता है। टाइटस जैक को बताता है कि उसके साथ ऐसा हादसा उसके जवानी में हुआ था जब उसने अपनी दोस्त की बॉडी के सिर्फ हड्डियों को देखा था। अब सब वहां से निकलने का फैसला करके जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से थोड़ी आग लग जाती है। इस आग को मेगडा काबू में कर लेती है। कर्ट उन्हें बताता है कि उसे इस ट्रक को बनाने में महीनों लग जाएंगे। अब वो सब रास्ता तो भटक ही गए थे और मिकी के रेडियो चेक करने पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता, तो वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उनके पास से एक छोटा प्लेन गुजरता है पर उनका ध्यान उन पर नहीं जाता। मेगडा जैक को समझाती है कि उनके पास पर्याप्त भोजन पानी है तो वो कुछ दिन यहां रह सकते हैं। उन सबको यहां रहते हुए काफी दिन हो चुके थे और मानो उन्होंने वहां अपनी छोटी बस्ती बसा ली हो। एक रात जब कर्ट अपने स्लीपिंग बैग में सोने चला जाता है तभी टाइटस को किसी के होने का एहसास होता है और हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर कर्ट के पास चला गया था। जब टाइटस कर्ट को उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके एक साइड का फेस गल के कंकाल में बदल गया है। अब वो आवाज देकर काल और अपने दोस्तों को बुलाता है। उनके आने से पहले वो क्रिएचर जो कि रेत के कण में बदल गए थे दिखने में ब्लैक चीटियां जैसे लग रही थी। वो क्रिएचर टाइटस को भी अपनी शिकंजे में घेरने लगता है। तभी काल उस स्लीपिंग बैग पर फायर करने लगता है। मिकी और जैक घायल टाइटस को ट्रक में लेकर जाते हैं और गोली मारने से उस क्रिएचर का कुछ भी नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर उनकी ओर बढ़ते ही जा रहा था तो काल पेट्रोल डालकर लाइटर जलाकर उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था। मेगडा उसे आग जलाने से मना करती है क्योंकि ट्रक के ऊपर और भी फ्यूल था जिससे ब्लास्ट हो जाता, पर काल का इरादा अटल था। तभी जैक उन्हें बताता है कि पेट्रोल की वजह वो क्रिएचर वापस जा रहा है। तब काल शांत हो जाता है। अब सब टाइटस को देखने लगते हैं पर जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सबको सुरक्षित घेरे में कर देता है। तभी जैक देखता है कि उस क्रिएचर ने कर्ट के कंकाल में समाकर काफी खौफनाक रूप ले लिया है। उसे देख काल उस पर हमला करता है। तब वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है। वहां जैक और काल में थोड़ी झड़प होने लगती है क्योंकि जैक काल को गोली मारने से रोक रहा था। उन्हें मिकी रोक कर समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो पैदल ही अपने बेस में जाकर मदद लाएंगे और इन सब में मेगडा टाइटस के साथ वहीं ट्रक में रहेगी। सुबह काल मिकी और जैक तीनों ही रेगिस्तान में आगे बरस रहे थे। बहुत देर चलने के बाद उन्हें अपने रास्ते पर एक रेतीला तूफान आते हुए दिखता है जिसमें वो सब फंसते हैं। तूफान जाने के बाद वो सब दोबारा उठकर अपने सामान को देखते हैं जिसमें जैक का मशीन टूट गया था और उन्होंने अपने साथ एक पेट्रोल का बॉक्स भी लिया था जिसका ज्यादातर पेट्रोल रेत में ही गिर गया था। चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए एक जगह रुकने का फैसला करके अपने चारों तरफ पेट्रोल डालकर घेरा बना लेते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे तभी वो क्रिएचर मेकडा के कंकाल में वहां पर आता है और उसने अपने फेस की जगह मेकडा का फेस लगाया था। पेट्रोल के घेरे की वजह से वो उसके पास तो नहीं आ पाता तो वो वहां से चला जाता है। सुबह उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर ढूंढने पर
उन्हें अपने पुराने दोस्तों का वही ट्रक मिलता है जिसे लेकर वो शुरुआत में उस अजीब सी चट्टान पास आए थे। तो सबसे पहले वो अपने लिए मदद बुलाते हैं और फिर सब जैक के पीछे उस चट्टान में सावधानी से घुस जाते हैं। अंदर जाने पर जैक समझता है कि ये प्लेस उस रानी क्रिएचर की है और ये चींटियों की प्रजाति का विकसित रूप है। अब उनका साथी जॉन उनको खोजते हुए ऊपर आ गया था और वो पहले आए हुए लोगों की डेड बॉडी को देखता है। दूसरी तरफ ये तीनों समझ गए थे कि टाइटस की बात सही थी। इधर जॉन उन्हें बुलाकर गन पॉइंट पर लेकर उनके बाकी साथियों के बारे में पूछता है तो वो सब उसे सच्चाई बताते हैं। पर जॉन को लग रहा था कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने साथियों को मार दिया है, इसलिए वो उन्हें हथकद्दी पहनाकर उन सबको अपनी जीप पर बैठाकर कैंप की ओर बढ़ता है। अब तीनों समझ गए थे कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, इसलिए अगर उन्होंने अभी उसे नहीं रोका तो बाद में रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए काल पीछे की विंडो को लात मारकर उसे तोड़कर जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे हथकड्डी से बांधकर वो सब एक माइंड की ओर जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बसाना चाहता है। वो सब एक माइंड के पास आते हैं। उनके पास एक लिक्विड एक्सप्लोसिव था जिसे काल अपने पास रखकर जॉन को वहीं जीप पर छोड़कर माइंड के अंदर सावधानी से आता है। उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिख रहा होता तो जैक को वहां पुराना जनरेटर मिलता है और रिपेयर करके चालू कर देते हैं। उस माइंड में रोशनी तो आ गई थी और वो धीरे धीरे माइंड के अंदर जा रहे थे और हम देख पाते हैं कि उस क्रिएचर को भी उनके होने की खबर लग गई थी। काल क्रिएचर को देख उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसे अकेले अंदर जाने से जैक और मिकी दोनों रोक रहे थे, पर वो नहीं रुकता और क्रिएचर उस पर हमला करके उस पर एक पीलर गिरा देता है। जैक उस क्रिएचर का ध्यान भटकाकर अपनी ओर भगाकर उसे एक गड्ढे में गिरा देता है और मिकी काल को उठा के उस गड्ढे के पास आती है। काल उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता ही है कि वो क्रिएचर कॉल का पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। काल के एक हाथ को उन दोनों ने पकड़ रखा था, पर काल उनका हाथ छोड़कर उस लिक्विड एक्सप्लोसिव से उस क्रिएचर के साथ खुद को उड़ा देता है। अब जैक और मिकी एक्सप्लोसिव से बचते हुए माइंड के एक हिस्से में आ जाते हैं जहां उन्हें रानी का एक कोकून लाइक चीज दिखती है और जहां वो थे उस जगह को भी उस क्रिएचर ने घेर लिया था। तो उन्हें इसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वही कोकून सबका कंट्रोल है, यानी कि उसका माइंड है। जैक अपने दोस्तों को याद करके उस कोकून में चाकू मार देता है जिससे वो क्रिएचर मर जाते हैं। माइंड पूरी तरह से नष्ट हो उससे पहले ही दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने कुछ दिखता है जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। मूवी के एंड में हम दोनों को बेस के बाहर टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं जिसमें मिकी कुछ सामानों को रखकर वहां से चली जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके सामान में रानी का एक कोकून था। वो दोनों बाहर शायद जॉन की बॉडी को देखकर शॉक्ड हुए होंगे और उन्हें बाद में उस डेजर्ट में और भी कोकून मिले होंगे जिसे मिकी शहर के लैब के लिए लेकर जा रही होगी और जैक उस क्रिएचर की तलाश में अभी भी वहीं पर है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर भविष्य में जब भी इसका अगला पार्ट आएगा तो मैं जरूर आप सबके लिए लाऊंगा। अगर आप सब पहली बार इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली नई स्टोरी के साथ। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू।